ऐसी ब्लॉग में करती है। गाइस अब शादी खत्म हो चुकी है, बहुत गर्मी थी, गर्मी के साथ हमने मजे भी किया। अब हम लोग घर जा रहे हैं। क्या करने आई हो यहाँ पे? घूमने आई हूँ मैं। अच्छा, घूमने आई हो? गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल माफिस फैमिली। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे एक शादी में जाना है, जो मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम शादी पड़ी है, तो उसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कितनी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ कि शादी के बाद फर्स्ट टाइम किसी शादी में जाऊँगी, और देखते हैं कि कैसा मेरा लुक रहेगा और क्या रहेगा। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30, पर मैं 5 बजे से उठी हूँ और ये भी 5 बजे से उठे थे। अब ये पैकिंग वगैरह करवा के सो चुके। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, चलिए उठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी है और बहुत अच्छी वाली मेहंदी लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। और देख सकते हैं कितने प्यारे फूल हैं, जितने सुबह उठो ना उतना अच्छा मौसम देखने को मिलता है। ये सब मेरी मेहंदी फैली हुई है। गाइस अब हम लोग रेडी होके इलाहाबाद के लिए निकल चुके हैं। हमारे साथ ये भी बैठे हुए हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। पीछे से बच्चे जाग रहे हैं। हेलो मुनीरा, मुनीरा ने हाय कर दिया। गाइस अब ये भेड़ बकरियाँ रास्ते पर नजर आई, बहुत ही प्यारा लगता है रास्ते में जब मौसम बहुत सोहना था। और अभी और एयरपोर्ट का आप लोग सीन देख सकते हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं इलाहाबाद के अंदर, तो बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं इलाहाबाद में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे हम जिस रोड पे चल रहे हैं 60 फीट रोड है, तो हम लोग घर पे तैयार होके तब आप लोग के सामने आते हैं। जैसे कि मैं हो गया हूँ रेडी, और मैं भी रेडी होकर शादी में आ गई। गाइस मैंने साड़ी पहन रखी है, मुझे तो मैं बहुत प्यारी लग रही थी, पर आप लोगों को मैं साड़ी में कैसे लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मैं पहुंच गई सेल्फी पॉइंट पर, मैंने बहुत सारी फोटो शूट करवाया। उसके बाद कैमरा मेरे हाथ में, अदील खा रहा है आइसक्रीम, पीछे है ग्राउंड जहाँ पे बारिश अभी बंद हुई है, मौसम बहुत ही प्यारा है। पर अदील से पूछते हैं कि अदील आइसक्रीम कैसी लग रही है। अदील क्या खा रहे हो? अच्छी है क्या? गर्मी क्या लग रही है तुमको? मौसम तो इतना अच्छा है, ब्लैक अच्छा खाओ। गाइस अब ये आ चुके लेडीज पार्ट में मेरे साथ व्लॉग शूट करने के लिए, और यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने पंखे से पूछा कि तुम इतनी तेज़ तो चलते हैं पर एसी वाली हवा क्यों नहीं दे पाते, पर मुझे नहीं पता था ये मेरा पीछे से शूट कर रहा था। मुझे बहुत हंसी आने लगी। फिर मैंने अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि बस अब घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ की गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और उनका मन नहीं था जाने का, पर मैं उनको पकड़ के लेके आई क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात में हम लोग थे शादी में, आज सुबह आ गए हम लोग एक प्यारे से व्यू पे इलाहाबाद के। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारे पीछे है यमुना ब्रिज और हमारे साथ हैं फिजा। कल रात में क्या हुआ था? कल रात में इतनी बारिश के साथ साथ इतनी गर्मी, इतनी उमस, गाइस मुझे बिल्कुल भी एंजॉय करने में मजा नहीं आया। बट थोड़ा बहुत किया, पर कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाया। ज्यादा डिनर किया, और ब्लॉग बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग घूमने निकल आए। और इसी उसी ब्लॉग में ये भी ऐड होगा और आप लोग वीडियो देखिएगा। हम लोग सुबह अभी बजे हैं 9 और हम आ गए हैं घूमने के लिए। ये देखिए गंगा स्तर इतना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहाव भी बहुत तेज है। इसके नीचे नहीं जा सकते, इसके नीचे बहुत दूर तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि पानी के साथ साथ लावा भी चल रही है। देखो बहुत जल्द यहाँ पे भी पानी आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे है न्यू यमुना ब्रिज। कैसा लग रहा है? मिला सुकून। गाइस मुझे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती,
गर्मी होती है तो इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। मैं मम्मी को, मेरी सासू माँ को किसी भी रिलेटिव से नहीं मिलने दिया, बस हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा दिया मामा चलो बस। रात में जिद कर लिया कि वापस अपने घर चलता है, पर इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती रोका और सुबह सुबह घुमाने के लिए रखा। तो अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो गाइस देखते हैं, हमारे पीछे है वो ओल्ड ब्रिज। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं दूसरी लोकेशन मनी ड्राइव के लिए। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग का व्यू कितना प्यारा आ रहा है और खाली खाली सड़कें हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इनको ड्राइव करने में और मुझे बैठने में, एंजॉय करने में। मनी ड्राइव जैसे ही पहुँचे गाइस, सड़क पर पानी आ गया, वहाँ पर कई लोग स्नान भी कर। तभी मरीन ड्राइव से हम लोग आ गए न्यू ब्रिज पे। चलिए फिजा से पूछते हैं कैसा लग रहा है यहाँ पे और कहाँ पे आई है ये। तो ये कहाँ पे आई हो तुम? अभी गई कहाँ थी? हम लोग मरीन ड्राइव गए थे बट वहाँ पे बहुत पानी पानी भरा था रोड पे और अच्छा नहीं लगा, हम लोग वहाँ पे चले आए। तो गाइस अब हमने न्यू ब्रिज को भी टाटा बाय कर दिया। अब हम लोग रेल घाट की तरफ जा रहे हैं। ये मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ और जाके लगी तो उन्होंने रोक दिया। अब हम लोग आ गए ओल्ड ब्रिज में, जहाँ से हम लोग निकल के अरेल घाट पहुँचेंगे। रास्ते का व्यू इतना प्यारा था, फिर मैंने इनसे बोला कि मुझे भूख भी लग चुकी है क्योंकि यहाँ से गुजरो और मैगी ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता। फिर हम लोग मैगी खाने के लिए मैगी की शॉप पर गए थे। तो गाइस हम लोग आ गए यहाँ पे। हम लोग क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अच्छा कनुरन, इतने छोटे थे तुम? कितनी एज हो ये तुम्हारी? 17 इनकी? तभी इंगेजमेंट हुई है ना, शादी थोड़ी नहीं है। हाँ तो नूरहन की इंगेजमेंट हो गई है, पब्लिक करना है कि नहीं करना है? अच्छा तो पब्लिक करना है तो ब्लॉग में डाल सकते हैं। शादी कब है नूरहन? 2 साल बाद शादी है, तब तक बालिग हो जाओगे। अभी बालिग नहीं हो यार। अच्छा हाँ तुम्हारी भी तो ना मानी हो तुमने। तो गाइस अब हम लोगों की मैगी आ चुकी है, नूरहन लेके आ रहे हैं और मैगी खाया, बहुत अच्छा स्वाद था उसका, टेस्ट था। पर ये मुझे खाने नहीं देते, जब भी मैं कुछ खाने चलती हूँ इनका कैमरा ऑन हो जाता है। तो मैंने अपनी वाइफ इनको खिला कर कहा कि अब कैमरा बंद कर दो, मुझे भी खाना है। क्या खा रही हो? तो मेरा बंद और खन जाने का मैंने कर दिया। मुझे पूछते थे क्या खाना है। तो आज मैंने इनको खाने में लगा दिया और इनको एक भी वीडियो नहीं बनवा। अभी मैं भुट्टा खाऊंगी, उसके बाद वहाँ पे आइसक्रीम लगी है तो आइसक्रीम खाऊंगी, है ना? नहीं। सो गाइस यहाँ पे इनका भुट्टा आ गया था, ये भुट्टा खा रही थी और यहाँ पे एक भूखी गाय आ गई जो बहुत ही भूखी लग रही थी। इन्होंने अपना भुट्टा दे दिया और इन्होंने भुट्टा खा गई पूरा। अभी चलो इनका भुट्टा तो खा गई बट भूखी बहुत लग रही है। तुमने अपना भुट्टा खिला दिया? दे दिया, भूखा था ना? भूखा था और इनको तुम भी खिला लो, खिला लो। ऐसा नहीं है, हम लोग आए हैं अरेल घाट पे। यहाँ पे पानी इतना ऊपर तक आ चुका है जो वहाँ पे बैठने की जगह होती है ना वो सब गायब हो चुकी है पानी के अंदर। कहाँ गई वो सब जगह जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे जहाँ वीडियो बनाए? डूब गया वो सब कुछ डूब गया। हाँ। हम लोग वाली जो वीडियो तुम्हारी वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे वो वाली कौन सी? मेरे सवाल लाखों में अपने हस्बैंड को लाजमी शेयर, वही पे तो बनाए थे। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा शोहर लाखों में। वायरल हुई थी,
पर वो स्थान ही डूब गया। अब कहाँ बनाओगी वीडियो? अब तो हमने एक आज वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों को पसंद है तो इसको वायरल कर दें। धूप है गाइस, बहुत धूप आ गई है, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नोएडा हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ से अगर वहाँ नहीं जाना तो वैसे भी बहुत गुस्सा है हमको मनाना है। चलिए अभी देखिए तुम्हारे लिए मिठाई लगा के रखी है, मिठाई केक वोक सब था, लेकिन जो है दुनिया जारी पहले है, बाद में। अरे अभी पहली शादी थी हम लोग की, जाना जरूरी था वहाँ पे। हाँ ये बात, हम लोग सोचे थे आ जाएंगे मगर बहुत बहुत लेट हो गया, घर निकले फिर ये लोग फ्रेंड हमने जाएंगे गाड़ी वो 12 बजे तक वेट किए थे, कट्टी बस अब ऐसे कौन से दोस्ती होती है खुद ही दिन भर यहीं पे बैठे रहते, कल तो 5 मिनट का टाइम निकालना चाहिए। अच्छा हमको सिखा रही है, बस हो केक ये मंगवा देंगे दूसरा, क्यों जी? और क्या? तो खत्म हो गया, काट दिया रखा हुआ है, किसके साथ काट लिया? क्यों बताएं, हमें तो ढूंढना पड़ेगा ना। सबके सामने सॉरी बोले बस। अब तो माफ कर दीजिए, माफ मांगता है, ब्लॉग बन रहा है भाई, सच बोल रहे हैं हम लोग, आपका चुपके से निकल गया, कह रहे वेट कर रहे हैं इसको, जो एक डंडा सुना रहा है, डंडा का डंडा ये। चलिए ठीक है, अब ये चलते हैं, बाहर बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं। ऐसी ब्लॉग में करती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ऐसे यही होता है ब्लॉग में। उस दिन तो बोलता ना कि आइए, मतलब 15 तुम पूरे मत बोलो, बस बोल दो कि भाई हमारे साथ आप लोग हमसे मिले या कुछ, 13 तारीख को हम ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें हम चाहते हैं कि सभी लोग। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग के लिए, जब दो गर्ल्स मिलती हैं तो शॉपिंग ज़रूर होती है, पर अफसोस कि हमें यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, हमें बहुत यूनिक सा कोई पीस चाहिए था 15 अगस्त में वेयर करने के लिए, बट हमें नहीं मिला, ना मुझे मिला ना यप्पी को मिला। लड़कियों को हर ओकेजन पे चाहिए, 15 अगस्त के लिए बताइए। पिज्जा खाने, पिज्जा के बाद ब्लॉग खत्म हो जाएगा। सो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, हमारा कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे ब्लॉग बनाएं ये भी बताएं। थैंक यू।